चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में सर्व हिंदू सनातन संगठन के भाजपा नेता योगेश तिवारी के जन्मदिन पर समर्थकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही सभी लोगों को मिठाई खिलाई। बता दें कि समर्थक पीयूष शर्मा और उनके साथियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों को फल का वितरण किया। वहीं वृद्धजनों ने योगेश तिवारी को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान किसान नेता के समर्थकों ने कहा कि योगेश तिवारी ने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। आज हमारे सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी सर्व हिंदू सनातन संगठन के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण सुबह राम मंदिर में पूजा अर्चना करके अभी हम जिला अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ मरीजों को फल वितरण किए, इसके बाद हम जो है वृद्धाश्रम जाकर के वृद्धजनों को भोजन एवं फल वितरण करेंगे। हमारा ये पहल है कि जितने भी वृद्धजन हैं जो भी है उनको योगेश तिवारी जी के द्वारा 250 बेड का बहुत बृहद वृद्धाश्रम बनाया गया है। जितने भी बुजुर्ग जो पीड़ित हैं उनको वहाँ पे ले जाना और सभी का सेवा करना, ये हमारा उनका भाव है। तो उन्हीं के भाव में हम सब चल रहे हैं। हमारा भी ये जो है जीवन जब तक है उनके साथ साथ जन सेवा में ही हम अपना जीवन जो है आगे व्यतीत करेंगे जी। इस वर्ष जो है वो कहीं मना नहीं रहे हैं, उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जो है रायपुर में निःशक्त सेवा करके उनके एक प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ गए हैं। यहाँ पे पिरदा में जो घटना घटी है उस वजह से यहाँ पे क्षेत्र का घटना है, तो वो सब अपने उसमें करके जो क्षेत्र में जन्मदिन का कार्यक्रम रहता था उसको नहीं रखा गया है उन सब की वजह से। आज हमारे सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी सर्व हिंदू सनातन संगठन के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण सुबह राम मंदिर